की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य को कम बारिश देखते हुए सुखाड़ घोषित करने को लेकर विशेष पैकेज की मांग की है। इस मुद्दे को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेएमएम के नेता मनोज पांडे हैं। मनोज पांडे जी, कल जिस तरीके से नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कई चीज़ों की बातें रखी है, चाहे उत्खनन से लेकर बातें हो, उसमें ज़्यादा शेयर की बात हो, चाहे वो केसीसी की बात हो, किसानों की ऋण की बात हो, या तमाम चीज़ों को लेकर जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने राज्य को लेकर बातें को रखी है और सुखाड़ को लेकर जो हैवी सेस पैकेज की मांग की, उस पर क्या कुछ? देखिए, कल की नीति आयोग की बैठक में माननीय युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने शिरकत की और राज्य की तरफ से राज्य की बेहतरी के लिए जो बातें रखनी थी उन बातों को रखा गया और हम लोग उम्मीद करते हैं कि उन बातों को बेहतर तरीके से सुनने के बाद उस पर त्वरित कार्रवाई केंद्र सरकार या माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री महोदय करेंगे। जिन बातों को रखा गया, प्रमुख रूप से सुखाड़ की स्थिति बनी हुई है झारखंड में, सिर्फ 41% के आसपास बुआई की खबर है खरीफ फसलों की, तो वैसी स्थिति में किसानों के समक्ष भूखमरी की नौबत आएगी, अन्न का खाद्यान्न का कमी होगा, किसानों के आय में घटोत्तरी मैंने कमी आएगी, तो इन सभी चीज़ों से कैसे निपटा जाए, इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार से उम्मीद किया है और मांग भी की है कि विशेष पैकेज या विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और हम उम्मीद करते हैं कि संघीय ढांचे में एक राज्यों को केंद्र सरकार से और बदली हुई परिस्थितियों में जो GST का जो सिस्टम लागू हुआ उसके बाद केंद्र के ऊपर निर्भरता राज्यों की बढ़ गई है, तो केंद्र कितना मदद करता है, कैसे मदद करता है, ये बहुत मायने रखता है। हम अभी हम लोगों के राज्य में जो राज्य की हिस्सेदारी है केंद्र के साथ, आप देख लीजिए खनिज संपदा की, चाहे और अन्य क्षेत्रों में रेलवे से जितना मुनाफा मिलता हो, उस अनुपात में इस राज्य को मदद नहीं मिल पाता है। आज हमारे करीब करीब 1,25,000 करोड़ से रुपए से ज़्यादा बकाया है और उन बकायों को केंद्र सरकार अगर नहीं देगी तो हम कैसे इस राज्य को लेकर आगे बढ़ पाएंगे। तो संघीय ढांचे में बहुत ही आवश्यक है और स्वच्छ लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये आवश्यक है कि राज्य में किसकी सरकार है इसका ये कोई मायने नहीं रखता है। आपके विरोधियों की सरकार भी है, हम विरोधी हैं, हम राजनीतिक विरोधी हैं, इस बात को समझना होगा, लेकिन जहाँ तक विकास की बात है तो जो हिस्सेदारी अन्य राज्यों को मिलती है कहीं सौतेला व्यवहार इस राज्य के साथ नहीं होना चाहिए। ये राज्य पिछड़ा राज्य की श्रेणी में आता है, आदिवासियों की बहुत बड़ी जनसंख्या है और यहाँ के लोगों की जो जीवन स्तर है उसको उठाने के लिए या यहाँ के राज्य की बेहतरी के लिए ही राज्य अलग बना बहुत संघर्ष के बाद, तो वो कैसे पूरा हो इसका बहुत दायित्व केंद्र सरकार के ऊपर भी निर्भर करता है। राज्य सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी खुद वहाँ पहुँच कर बैठक में शिरकत करके सारी बातों को बहुत मुझे लगता है विस्तार पूर्वक उन्होंने बताया है और हम उम्मीद करते हैं कि दलगत भावना से ऊपर उठ के झारखंड को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे प्रधानमंत्री महोदय या केंद्र सरकार। देखें उसमें, देखिए लोबिन हेम्ब्रम जी माननीय विधायक हैं और सीनियर विधायक हैं और उन्होंने जो एक झारखंड बचाओ मोर्चा मैंने देखा है, हालांकि उन्होंने कह दिया कि राजनीतिक मोर्चा मैं वहीं पर आ रहा था, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये एक गैर राजनीतिक संगठन है, तो जहाँ राजनीति की बात नहीं आती है उस संगठन का उद्देश्य कुछ और होता है, तो हम मान के चलते हैं कि वो पार्टी लाइन पर हैं, पार्टी के अंदर हैं, पार्टी के साथ पूरी लॉयलिटी के साथ हैं, आगे भी रहेंगे ऐसा उम्मीद है और उनकी मंशा क्या है वो तो बेहतर वही बता पाएंगे, लेकिन फिर भी हमारे माननीय विधायक हैं, उन पर किसी तरह की टीका टिप्पणी मुझे लगता है मैं उस लायक नहीं समझता हूँ अपने आप को, नवीन बाबू ऐसे वरिष्ठ विधायक के लिए कुछ बोल पाऊँ, लेकिन वो पार्टी लाइन पर हैं और पार्टी के साथ रहेंगे। लेकिन इससे पहले अमित महतो तो भी आपकी पार्टी के थे, वह भी कई बार ऐसा बातें कहा फिर उन्होंने नहीं, देखिए अमित महतो की बात आपने की, अमित महतो जी ने पार्टी को छोड़ दिया, पार्टी को उन्होंने कुछ एक टाइम दिया, अल्टीमेटम दिया, हालांकि सब एक राजनीतिक कदम था उनका, किस के बहकावे में आके उन्होंने इस तरह का आत्मघाती कदम उठाया वो तो वही बताएंगे, लेकिन लॉबिन बाबू
को मैं मानता हूँ कि वो एक समर्पित कार्यकर्ता हैं, पुराने हैं और कार्यकर्ता से उठकर आज इतने बड़े नेता बने, तो वो हमारे साथ हैं, हमारे साथ रहेंगे। देखिए जांच, जो जांच हो रही है, मुझे लगता है कानून अपना काम कर रहा है। विधायक कहीं ना कहीं दोषी नज़र आ रहे थे, किसके बहकावे में कैसे ये सब घटना घटा बेहतर तो वही लोग बता पाएंगे, लेकिन स्पष्ट रूप से दिखता था कि सरकार को अस्थिर करने की जो शक्तियाँ सक्रिय हैं, जो विपक्षी दल हैं, जो पचा नहीं पा रहे हैं माननीय हेमंत सोरेन जी की लोकप्रियता को, कहीं ना कहीं उसका अंग बनने का प्रयास किया जा रहा था। और कानून अपना काम कर रहा है, हम लोग उम्मीद करते हैं कानून अपना काम करेगा, दोषी होंगे तो कानून के अनुसार उन पर कार्रवाई होगी। तो ये थे हमारे साथ जेएमयू के नेता मनोज पांडे, जिन्होंने साफ तौर से कह दिया कि जितनी भी जो पैसे बकाए हैं केंद्र सरकार जल्द जो है राज्य को भुगतान करे, ताकि राज्य को आगे जो है कार्य में लगाकर निर्माण करने में आगे बढ़ा जाए। और कई तरह की बातें जो है सामने, जिस तरीके से लोबिन हेम्ब्रम ने अपनी एक मोर्चा बनाई है उस पर भी अपनी बातों को रखा है, और लगातार जिस तरीके से झारखंड राज्य में सरकार को लेकर, अस्थिर करने को लेकर जो है कई तरह की साजिशें रची जा रही है, उस पर साफ तौर से इन्होंने कहा है। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार।